स्टूडेंट सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर होम्योस्टेसिस स्टार्ट किया था। इसका आज लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन इम्प्लांट को डिस्कस करेंगे। रिवीजन क्लासेस हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को पहले डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर या सोल्यूट के कंटेंट को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन की डिपेंड करने की वजह से, वाटर या सोल्यूट के कंटेंट को मेंटेन करने की वजह से प्लांट को जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले प्लांट हाइड्रोफाइट्स हैं, वो प्लांट जो वाटर में रहेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, इनकी इन्वायरमेंट वाटर है। मीजोफाइट वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट वाटर में रहेंगे। जीरोफाइट वो प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहेंगे, यानी जहाँ वाटर की शॉर्टेज होगी। हेलोफाइट्स वो प्लांट हैं जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहेंगे, सॉल्ट लविंग प्लांट हैं। तो पहले हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफाइट फ्रेश वाटर में रहेंगे, वो वाटर जहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम नहीं होगी, या तो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होंगे पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म कौन सी होती है कि इनमें कोई अटैचमेंट नहीं होगी, रूट स्टेम्स लीव नहीं होंगे, रूट स्टेम्स नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करेंगे। वुल्फिया इसकी एग्जांपल है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की। ये है पार्शली सबमर्ज हाइड्रोफाइट, यानी कि रूट से अटैच होगा, स्टेम वाटर में होगा और लीव्स जो हैं वो फ्लॉट करेंगे वाटर की सरफेस पे। कॉमन नेम वाटर लिली है, निम्फिया इसका साइंटिफिक नेम है। हाइड्रेला वो प्लांट है जो कम्प्लीटली सबमर्ज होंगे, यानी कि रूट स्टेम्स या लीव्स सब के सब पानी में मौजूद होंगे, अटैच भी होंगे और पूरी की पूरी बॉडी इनकी वाटर में रहेगी। वुल्फिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इन प्लांट्स के कि वाटर में रह रहे हैं तो वाटर की तो शॉर्टेज होगी नहीं ना, तो इन प्लांट्स को वाटर की शॉर्टेज को फेस नहीं करना पड़ता। दूसरा, इनके स्टेम्स या लीफ में क्यूटिकल की लेयर नहीं है। क्यूटिकल की लेयर जो है वो वाटर को एवापोरेट होने से बचाती है, तो यहाँ पर जो है वो रहते ही है वाटर में, तो यहाँ पर इनको ज़रूरत ही नहीं है वाटर को एवापोरेट करवाने की, तो इनके पास क्यूटिकल की लेयर नहीं होती क्योंकि इनको वाटर को स्टोर भी तो नहीं करना। स्टोमेटा जो है वो लार्ज होंगे और अपर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। ये अगर एक लीफ है तो ये इसकी लोअर सरफेस है और ये इसकी अपर सरफेस है। तो अगर इनकी जो लोअर सरफेस है ये वाटर में मौजूद होते हैं तो ये वाटर से कनेक्ट होती है, तो अगर स्टोमेटा यहाँ होंगे तो ये वाटर को एक्सक्रीट करके क्या वाटर में ही डालेंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो इसलिए इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं ताकि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में अपर सरफेस से रिलीज हो सके। ईयर स्पेसेस या चैम्बर्स होते हैं स्पेशलाइज सेल लाइन के पास, जिन्हें एरेंकाइमा कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारी जो हैं वो ईयर स्पेसेस होती हैं। इन ईयर स्पेसेस या एरेंकाइमा सेल्स के थ्रू जो है ये वाटर में फ्लॉट करती हैं, इसलिए बायोन्सी क्रिएट करते हैं ये सेल्स, पैरेंकाइमा सेल हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली वाटर में मूव कर सकते हैं, फ्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास प्लांट का ऑस्मो रेगुलेशन के डिपेंडिंग के वजह से, वो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट हैं जो मार्शी सॉइल में ग्रो करेंगे या सॉल्टी सॉइल में ग्रो करेंगे। मार्शी सॉइल कौन सी होती है? वो सॉइल जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस हो। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो प्लांट अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेगा? तो इनके अंदर कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस आ जाती हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल रूट्स को डेवलप कर लेते हैं ये ताकि एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। ये जो रूट्स होती हैं स्पेशल रूट्स, या इनको एरियल रूट्स भी कहते हैं, और इनका जो नाम है वो है न्यूमेटोफोर रूट्स।
इन नियोमेटाफोर रूट्स पे कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स के जरिए जो है वो ऑक्सीजन इजीली इन प्लांट्स को मिल जाती है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस मार्शी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ सॉइल में ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लांट कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस करेगा अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इनके पास जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगे, जिन्हें न्यूमेटाफोर रूट्स कहते हैं। इन रूट्स के जरिए जो है वो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हासिल करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि एक प्लांट की रूट है, ये हेलोफाइट नहीं है, कोई दूसरा प्लांट है, ये स्टेम है, ये रूट है। यहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सॉल्ट क्या है, ज़्यादा है। वाटर क्या है, यहाँ पर कम है। ये इस रूट की बात हो रही है। अब इसके बाहर के रीजन में क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट कम है और वाटर ज़्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, मूवमेंट हमेशा वहाँ से होती है जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्टेट में मौजूद हों, आज़ाद ना घूम रहे हों, फ्री फॉर्म में मौजूद हों, जहाँ उनका वाटर पोटेंशियल हाई हो। तो वाटर जो है वो हमेशा आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा। ये वाला सोल्यूशन अगर यहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हाइपरटॉनिक होगा, और यहाँ कम है तो ये हाइपोटॉनिक होगा। तो मूवमेंट जो है वो हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, या वहाँ से जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल फ्री स्टेट पर ज़्यादा मौजूद है, वहाँ से वहाँ होगी जहाँ कम मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो नॉर्मल प्लांट्स में सॉइल से लेकर रूट के अंदर वाटर मूव करता है। अब आ जाए हेलोफाइट्स प्लांट में क्या होगा, इनकी रूट्स हैं, कोई स्टेम भी बनी नहीं है। अब जो है यहाँ सॉल्ट के जो कंसेंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है। अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है तुम और वाटर ये ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की, और ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की हो गई। तो इन कंडीशंस में क्या होगा कि वाटर जो है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा। अगर इसी तरह मूव करता रहेगा तो प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि तमाम वाटर इसका बाहर जा रहा है। तो अब इन प्लांट्स में क्या होगा, हेलोफाइट्स में कुछ अडॉप्टेशंस डेवलप हो जाएंगे। ये जो इनकी रूट्स हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे। ये सेल्स क्या करेंगे, ये सॉल्ट को पहले इंटर करेंगे अपनी रूट्स के अंदर। तो यहाँ की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, अब ये यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो अब ये वाटर जो है वो बाहर से लेकर अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो नॉर्मल प्लांट्स में क्या हो रहा था कि वो डायरेक्टली सॉइल से वाटर को कैप्चर कर रहे थे, इंटर कर रहे थे और अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। मगर चूंकि ये सॉइल में रह रहे हैं जहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी रूट्स में कुछ सेल्स होंगे, उन सेल्स के थ्रू पहले ये सॉल्ट को इंटर करेंगे अपनी प्लांट बॉडी में, तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये मूवमेंट चेंज हो जाएगी, बाहर से फिर अंदर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। क्यूटिकल की लेयर इनके पास, ताकि ये वाटर के लोस को बचा सकें। वाटर को कहाँ से मैं अब्जॉर्ब करेंगे, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन से, यानी कि वहाँ से सॉल्ट को, जिस सॉइल में ये रह रहे हैं वो सॉल्टी सॉइल है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कम है। तो इन्होंने क्या किया, अडॉप्टेशंस डेवलप की। अडॉप्टेशंस क्या डेवलप की, इनकी रूट्स में कुछ सेल्स थे, उन्होंने सॉल्ट को इंटर किया, इंटर किया तो अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो सॉल्ट हमेशा लो से हाई पे मूव करेगा और वाटर वहाँ से मूव करेगा जहाँ वाटर की हाई अमाउंट होगी। लीव्स में अब बहुत ज़्यादा सॉल्ट अगर बॉडी के अंदर आ जाएगा इनकी, तो ये सॉल्ट को भी रिमूव करना शुरू कर देंगे। सॉल्ट को रिमूव करने के लिए इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स हैं,
ग्लैंड्स के थ्रू जो है एक्सेस जितना भी सॉल्ट है इनकी बॉडी के अंदर उसको रिमूव करना शुरू कर देंगे। अब वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनके पास सैक्युलेंट लीव्स है। ये लीव्स क्या करती हैं, ये वाटर को रिटेन रखती हैं अपने अंदर ताकि बैलेंस मेंटेन रह सके और अपनी मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर सके। एग्जांपल्स ग्लास वर्ड्स है जिसे सेलिकोमा कहते हैं। सेलिकोमा साइंटिफिक नेम है और ग्लास वर्ड इसका कॉमन नेम है। दूसरी एग्जांपल कॉर्ड ग्रास है, स्पार्टीना, ये इसका साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम है। थर्ड ग्रुप है हमारे पास प्लांट्स का, वो है मीजोफाइट। मीजोफाइट कहाँ ग्रो करेंगे, जहाँ मॉडरेट वाटर होगा सॉइल के अंदर। तो ये जो है वाटर के लॉस को कैसे बचाएंगे अपने वाटर को, तो ये अब्जॉर्ब करेंगे वाटर को सॉइल से, और वाटर को लॉस करना होगा तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा इनके पास। तो जब वाटर मॉडरेट सॉइल में है, अगर बहुत ज़्यादा वाटर इनको मिल जाए तो इनमें ट्रांसपिरेशन शुरू हो जाती है। मगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, पानी एवापोरेट्स होना शुरू हो जाएगा पेपर्स की फॉर्म में, तो प्लांट्स के अंदर विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। विल्टिंग होगी तो वो डाई भी हो सकता है। तो इस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए इनके पास क्यूटिकल के लेयर है, ताकि ये मजीद अपने आप को ट्रांसपिरेशन से बचा सकें, विल्टिंग से बचा सकें। रूट्स नॉर्मली क्या होता है कि ये सॉइल है, रूट्स हेयर है इनके पास, सॉइल में वाटर मौजूद है, तो ये वाटर यहाँ से मूव करता हुआ स्टेम में आएगा, स्टेम से फिर लीव्स में वाटर के एवापोरेट हो जाएगा वेपर्स के फॉर्म में। रूट्स जो है वो इनकी वेल डेवलप होंगी ताकि ये इजीली वाटर को एब्जॉर्ब। स्टोमेटा प्रेजेंट है ताकि ये एवापोरेट कर सके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो टू किडनी या गार्ड सेल है, उनका फंक्शन गेंस या सेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और ट्रांसपिरेशन में भी। तो यहाँ जो स्टोमेटा है वो एवापोरेट करेगा एक्स्ट्रा वाटर, अगर ज़्यादा वाटर मिल जाएगा तो स्टोमेटा के थ्रू एवापोरेट हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। मगर कुछ मीजोफाइट्स ऐसे हैं जो अगर रेनी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, रेनी इन्वायरमेंट है, तो वहाँ जो है ये वाटर को रिमूव कैसे करेंगे, तो इनके अंदर अब कुछ दूसरा प्रोसेस होगा जिसे गुटेशन कहते हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा इनमें, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकेगी तो ये दूसरे मैकेनिज्म्स परफॉर्म करेंगे, यानी गुटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे ताकि इस एक्स्ट्रा वाटर को, एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें। तो गुटेशन में कुछ स्पेशलाइज सेल इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हाइडाथोट्स कहते हैं। हाइडाथोट्स के जरिए जो है ये वाटर को एक्सक्रीट कर देते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मीजोफाइट प्लांट्स की। मीजोफाइट वो हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, जितने भी आपको सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम मीजोफाइट्स प्लांट हैं। ये मैंगो प्लांट है और रोज़ प्लांट है, कल्टीवेटेड प्लांट जितने भी हैं नर्सरीज वगैरह अपनी सराउंडिंग में जितने भी आपको प्लांट्स नज़र आते हैं तमाम के तमाम मीजोफाइट्स। ज़ीरोफाइट कौन से प्लांट्स हैं, वो जो ड्राई प्लेसेस में रहेंगे, जैसे कि डेजर्ट्स में जहाँ वाटर की शॉर्टेज होगी, स्टीप हिल्स में, ये रॉक्स हैं इस तरह की रॉक्स हैं, तो यहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करेंगे। अब क्या होगा कि जब बारिश होगी, अगर ये प्लेन इन्वायरमेंट होगा तो पानी यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ताकि प्लांट उसको यूटिलाइज कर ले और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। मगर अगर इस तरह की सरफेसेस होंगी तो वाटर जो है वो ईजिली रन हो जाएगा, तो यहाँ सॉइल में कुछ भी नहीं बचेगा या इस सरफेस पे कुछ भी नहीं बचेगा जिसको यहाँ पर रहने वाले प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये जिन एरियाज में रहेंगे तो वो ड्राई एनवायरनमेंट होगी, यहाँ इनको वाटर की शॉर्टेज को फेस करना पड़ेगा, स्कैरसिटी होगी वाटर की।
तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरोफाइट प्लांट्स में वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉइल का या एयर का लो होगा, पानी के वैसे ही शॉर्टेज में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस भी करेंगे। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि ज़ीरोफाइट्स हैं, किसी ने स्पाइंस डेवलप कर लिए, किसी ने अपने लीफ को मॉडिफाइड कर लिया। इसके साथ जो है वो मीजोफाइट्स प्लांट जो है वो कुछ एडाप्टेशंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि इनके सीड्स या स्पोर में कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस आ जाएंगे। ये अगर एक नॉर्मल सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, तो ज़ीरोफाइट प्लांट में क्या होगा कि ये जितना भी इसका कंटेंट है, ये वाला कंटेंट, ये श्रिंक होने लग जाएगा। श्रिंक होके ग्राउंडेड बॉडी बना लेगा, राउंडेड बॉडी बना के मल्टीपल लेयर से सराउंड कर लेगा अपने आप को। ये अडॉप्टेशन इनकी, ताकि अपने आप को लॉन्ग लास्टिंग रह सके। तो जब इतनी सारी लेयर्स आ जाएंगी इनके पास, तो इनका जो अगर सीड है तो वो हार्ड सीड कॉट हो जाएगा, अगर कोई स्पोर है तो उसके ऊपर भी मल्टीपल लेयर्स होंगी, ताकि कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर दोबारा से जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे कि रेनी सीजन्स आएगा, तो ये सीड दोबारा से जर्मिनेट कर लेंगे। तो ये सीड हार्ड सीड कोट को डेवलप कर लेंगे, अपने इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को कंसेंट्रेट करके। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इन यहाँ से यहाँ तक जितना भी रीजन होगा वो इसका प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर एक सेल वॉल आएगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन से इस सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी रीजन होगा वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। अगर इसमें इस सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर लें तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। तो ये जो इंटरनल कंटेंट होगा, ये इसको अपना रिड्यूस कर लेंगे, श्रिंक कर लेंगे, कंसेंट्रेटेड कर लेंगे, और फिर सराउंड करेंगे हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से, ताकि जब एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और जैसे ही इनके पास फेवरेबल कंडीशन दोबारा से रिटर्न होंगी, तो ये जर्मिनेट करके नए प्लांट्स बना लेंगे। ज़ीरोफाइट में जो है वो रूट्स वेल डेवलप होंगी, जो कि डीप जाएंगी सॉइल के अंदर, ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की रूट्स की फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, जैसे कि अगर ये प्लांट है तो इसके अंदर किस टाइप की रूट्स डेवलप हो रही हैं, लॉन्ग वर्टिकल रूट्स। अब ये लॉन्ग वर्टिकल हैं तो ये डीप जाएंगी सॉइल के अंदर और वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसी तरह कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होंगी, हॉरिजॉन्टली रूट्स डेवलप होंगी। हॉरिजॉन्टली यानी इस फॉर्म में बस इसी छोटे से एरिया में ग्रो करती जाएंगी। तो क्या होगा, बारिश हुई, पानी आ गया, तो इस पानी को, ये पानी जो है अगर ये इस रीजन में रहेगा तो रूट्स भी तो इसी रीजन में, तो जैसे ही बारिश होगी तो ये जल्दी से इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और स्टोर कर लेंगी, ताकि जब इनके पास स्कैरिसिटी हो तो ये इस वाटर को यूटिलाइज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। इसी तरह कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो इस तरह ट्यूबर्स या बल्ब की फॉर्मेशन हो जाएगी, एडाप्टेशन ही है अभी इसकी, ताकि वाटर को ये स्टोर कर सके, और जब इसके पास शॉर्टेज हो वाटर की तो यहाँ से वाटर को यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें ट्यूबर्स या बल्ब्स कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो है वो लॉन्ग वर्टिकल रूट्स डेवलप कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे सॉइल में जाएं और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लें। कुछ प्लांट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली इस तरह की रूट्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, ताकि जैसे ही वाटर उनको मिले, चाहे वो बारिश से मिले या किसी दूसरी जगह से मिले, तो वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लें। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ट्यूबर्स या बल्ब्स की फॉर्मेशन करेंगे, यानी इसके अंदर इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके साथ साथ जो है वो इनके कुछ एरियल पार्ट्स में भी एडॉप्टेशंस डेवलप होंगी, जैसे कुछ प्लांट्स ने वैक्सीलियर को डेवलप कर लिया, कुछ प्लांट जो है वो स्पाइक्स को डेवलप कर लेंगे। अब इन स्पाइक्स का या इनका फंक्शन क्या है, तो ये इनको प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल से, ताकि वो इनको ग्रेज ना कर सके। कुछ जो है वो लीव्स जो है वो कुछ जो है वो प्लांट में स्टेम की ही मॉडिफिकेशन हो जाएगी, मतलब उनके पास लीव्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स होंगी, स्टेम्स के ऊपर जो है वो इनके स्पाइन्स होंगे।
तो जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा जो है वो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, स्टेम पे कम होते हैं। कम स्टोमेटा होगा तो कम वाटर एवापोरेट होगा। और कोई दूसरा एनिमल इनको खा भी नहीं सकेगा। लीव्स मॉडिफाइड हो जाएंगी स्पाइंस में, ये भी एक अडॉप्टेशन है ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो सके, क्योंकि ट्रांसपायरेशन लीव्स के थ्रू होगी, स्पाइंस में स्टोमेटा नहीं होंगे। और ये स्पाइंस वो इनको प्रोटेक्ट भी करेंगे ग्रेजिंग, एनिमल्स की ग्रेजिंग से। रिडक्शन हो जाएगी स्टोमेटा की, या स्टोमेटा जो डेवलप होंगे वो संकिन टाइप होंगे। संकिन टाइप, अगर स्टोमेटा नॉर्मली क्या है कि ये एपिडर्मल लेयर है, तो यहाँ पर ये स्टोमेटा टू किडनी शेप या गार्ड सेल्स शेप सेल्स डेवलप हो जाएंगे। अब इनके अंदर कुछ कैविटीज डेवलप हो जाएंगी तो ये डीप चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो इनका वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो या तो वो रिडक्शन कर लेंगे अपने साइज में, या संकिन टाइप स्टोमेटास को डेवलप कर लेंगे। इनके पास जो है वो एपिडर्मिस जो है वो हेयरी हो जाएगी, कुछ हेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। हेयर जब डेवलप हो जाएंगे तो सनलाइट जब इनके ऊपर पड़ेगी तो कम से कम पड़ेगी, और अगर यहाँ पड़ रही है, दूसरा हेयर है, दूसरा हेयर है, तो वो प्रिवेंट करेंगे, लाइट को इजीली कैप्चर नहीं करने देंगे इसकी लीफ की सरफेस के ऊपर। तो कुछ हेयर्स डेवलप कर लेंगे अपनी एपिडर्मिस के रीजन के थ्रू, लीव्स फोल्ड हो जाएंगे। जब लीव इस तरह फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे तो भी इजीली जो है वो वाटर, इनको लाइट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। लीव का जो है वो लेमिना, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये ब्रॉड शेप लीव्स थी तो ये रिड्यूस होके इस टाइप की हो जाएंगी। ये शेप जो है वो, इसका साइज जो है वो लेमिना का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। कुछ में स्पाइंस की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो ये कुछ अडॉप्टेशंस हैं जो जीरोफिटिक प्लांट डेवलप करते हैं अपनी ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए। अब एक और टॉपिक है जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है प्लांट, तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कुछ वेस्टफुल या अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। प्लांट में जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो बहुत कम अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। कैटाबॉलिक यानी किसी चीज़ के टूटने का अमल, जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस होगी, फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस कम होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस कम होंगे, स्लो होंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी कम से कम ही रिलीज होगा इनकी बॉडी से। मगर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा तो वो उसको अगेन यूज कर लेंगे अपने एनाबॉलिक प्रोसेस में। सपोज कि अगर किसी प्लांट के पास प्रोटीन का कोई कंपाउंड है, तो वो उसको ब्रेक करेगा छोटे छोटे कंपाउंड्स में, अमाइनो एसिड में, और उस अमाइनो एसिड को दोबारा से वो यूटिलाइज कर लेगा फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन के। प्लांट में जो है एक्सक्रीशन के जो अमाउंट्स हैं वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तमाम जो है वो उनकी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो पहला क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर किस तरह रिमूव होगा, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से वेपर्स की फॉर्म में। ट्रांसपायरेशन कैसे होगी प्लांट्स में, तो ये स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा क्या है, ये किडनी बीन शेप सेल्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होते हैं और ट्रांसपायरेशन में। प्लांट की रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, स्टेम से ये अपर साइड पर जाने लगेगा, फिर इनके लीव्स में आएगा। एक्सेस वाटर है तो ये वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होने लग जाएगा। गुटेशन दूसरा प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वाटर का। तो गुटेशन में क्या होगा कि ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर रिमूव होगा।
अब ये रोटेशन के लिए इनके पास कुछ अलग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, अलग तो उनको हाइडाथोर्स कहते हैं। इनके अंदर जो है वो ओपनिंग नहीं होगी, विदा गार्ड सेल्स नहीं होंगे, जैसे स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल कैविटी होगी। कहाँ पाए जाएंगे? टिप्स पे और मार्जिन्स पे लीव्स के। ग्यूटेशन का प्रोसेस जो है वो है कि रिमूवल होगा वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में, उसको ग्यूटेशन कहते हैं। और जिस सेल्स को यूटिलाइज करेंगे वो हैं हाइडाटोट्स। इनके अंदर जैसे गार्ड सेल्स हैं, इस तरह की ओपनिंग होगी, सिंपल कैविटी होगी, टिप्स पे मौजूद होंगे या मार्जिन। ग्यूटेशन किन प्लांट्स में होगी? वो प्लांट जहाँ पर रेनी सीजन ज़्यादा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेन ज़्यादा होंगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमिडिटी के ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाएगा, तो वाटर को तो रिमूव करना ही है प्लांट की बॉडी से, तो ये ग्यूटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। रिलीज करेंगे कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को, तो सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, रिलीज होगी ऑक्सीजन। अब कभी ऐसा हो गया कि लाइट की एब्सेंस हो गई, लाइट नहीं मिल रही उन्हें, तो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। या अगर ऑक्सीजन की समटाइम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस में परफॉर्म होगा, जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। आयंस को कैसे रिमूव करेंगे? तो एक्सेस अमाउंट में जो आयंस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इनके सेंट्रल रीजन में, जिसे हार्डवुड कहते हैं। हार्डवुड जो है वो जाइलम सेल से बना है। अब यहाँ जो है वो लिग्निन की डिपोजिशन होती है, तो ये जो इनके अंदर जो एक नैरो कैविटी होती है जिसको ल्यूमेन कहते हैं, लिग्निन की इतनी डिपोजिशन हो जाएगी कि ये ल्यूमेन बिल्कुल ही नैरो हो जाएगा और वाटर या मिनरल की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये सेल जो है वो डेथ तसव्वुर किए जाते हैं और फिर ये सेंट्रल रीजन में आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हार्डवुड कहते हैं। तो ये एक्सेस अमाउंट में जितने भी आयंस जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर इस डेथ रीजन में जमा होना शुरू हो जाएंगे हार्डवुड में, जबकि सैपवुड में जो है वो जाइलम के टिश्यूज जो हैं वो लिविंग फॉर्म में लिविंग रीजन कहलाता है, या ल्यूमन जो है वो लार्ज होता है और लिग्निफाइड नहीं होता है। डिफरेंसेस क्या है ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन में? ट्रांसपायरेशन जो है वो क्यूटिकल के थ्रू होती है, ये लेयर वैक्सी लेयर उसके थ्रू होगी। लेंटिसल्स कुछ पोर्स डेवलप हो जाते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो उसके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। स्टोमेटा के थ्रू ये टू गार्ड किडनी सेल शेप में, उनके थ्रू भी ट्रांसपायरेशन होती है। ग्यूटेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हाइडाथ्रोट से होता है। ट्रांसपायरेशन डे टाइम में होगी और वाटर लॉस होगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ग्यूटेशन जो है वो नाइट टाइम में होगी और वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिमूव होगा। ड्राई डेज में होगी जब टेम्परेचर हाई होगा, तो प्लांट बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगी। ग्यूटेशन जो है वो ह्यूमिड में होगा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, तो ग्यूटेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। ये बेनिफिशियल है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, इंजाइम जो है वो प्रॉपर वर्क कर सकें, क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो इंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये जो है वो लेस सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंजरी कॉज में भी समटाइम जो है वो ये इंजरी कॉज कर सकता है, क्योंकि जब वाटर रिमूव होगा तो कुछ ना कुछ सॉल्ट भी होंगे और वो टिप पे जमा हो जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, तो इन केसेस में ये इंजीरियस हो जाएगा। डिफरेंस क्या है स्टोमेटा और हाइडाथ्रोट्स में? स्टोमेटा क्या है? ये
एपिडर्मिस पे मौजूद होंगे लीव्स के या यंग स्टेम के, ज़्यादा ये लीव्स में ही मौजूद होते हैं। हाइड्राटोड्स के होंगे टिप पे या मार्जिन पे प्रेजेंट होंगे लीव्स पे। स्टोमेटा में एक अपर्चर है जो कि टू गार्ड सेल से सराउंड करता है, जबकि यहाँ जो है वो एक कैविटी या रिंग बन जाएगी क्यूटिकुलराइज या एक क्लोरोफिल सेल की। स्टोमेटा में क्या होगा कि ये जो दो किडनी शेप सेल्स हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, अब इनके सराउंडिंग में कुछ सब्सिडरी सेल्स भी होंगे। ये सब्सिडरी सेल्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो ये क्लोरोफिलस होते हैं। जबकि हाइड्राथोट्स में क्या होगा, एक सिंपल कैविटी होगी, सराउंड होगी दूसरे सेल से जो कि एक क्लोरोफिलस सेल्स है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा इनमें। यहाँ जो है वो टू गार्ड सेल्स हैं और ये सराउंड होंगे सब्सिडरी सेल्स में। किडनी शेप सेल्स जो हैं वो गार्ड सेल्स हैं, अब इनके सराउंडिंग में जितने भी सेल्स होंगे वो सब्सिडरी सेल्स होंगे। यहाँ जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब्सिडरी सेल एब्सेंट होंगे। ट्रांसपायरेशन या गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगी। स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपायरेशन या गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे, जबकि ये सिंपल एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे गुटेशन कहते हैं और वाटर रिमूव होगा ड्रॉप्स की फॉर्म में। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये टू किडनी शेप गार्ड सेल्स हैं और ये सराउंड कर रहे हैं सब्सिडरी सेल्स हैं। सेंट्रल रीजन में जो कैविटी है उसको स्टोमा कहते हैं, इसकी वजह से इसका नाम स्टोमेटा पड़ा था। अब ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं आपको, तो यहाँ क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिलस सेल्स हैं। हाइड्राथोट्स में क्या होगा कि ये सिंपल टिप पे मौजूद होंगे सेल्स, यहाँ पर कोई भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, क्यूटिकल की लेयर में ही मौजूद होंगे, इस तरफ ही मौजूद होंगे, जो क्यूटिकुलराइज सेल्स कहलाएंगे और यहाँ पर कोई भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो अगर वन मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए कि टू एस्पेक्ट्स बताएं होम्योस्टेसिस के, सिर्फ नाम लिखना है तो नाम ही लिखना है, उनको डिफाइन नहीं करना। हाइड्राथोट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है इसमें और बताना है कि भाई इनमें ये जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसे गुटेशन कहते हैं। डिफ्रेंसिएशन करनी है ट्रांसपायरेशन और गुटेशन में। एक्सक्रीशन पर 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखना है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ज़ेरोफिटिक प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना। ये एक लेंथी सवाल है जो कि एग्जाम में आ सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन की जो है वो डेफिनेशन देनी है और कितने प्लांट क्लासीफाई, कितनी कैटेगरीज में किया गया है प्लांट्स को ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे, उनको भी डिफाइन करना है, उनके करेक्टर्स बताने। तो ये लॉन्ग सवाल है, तो ये लेंथी सवाल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ तक जो है वो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।